रात का टाइम है और काम का लोड तो ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी होता ही है। दिखा देता हूँ, देखिए 10 बजने में 10 मिनट और बाकी है और ये जावा का ब्रेक पैड भी डालना है क्योंकि अभी शॉप क्लोज करने का टाइम है। अभी क्लोज करने का टाइम है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जावा में रियर ब्रेक पैड कैसे डालते हैं। ये देखिए, पहले तो ये पिन निकाल लेंगे, लॉक पिन है इसे निकाल लेंगे। अब उसके बाद उसका पिन निकालेंगे, अब इस तरह से रोड रख के हमें ठोकना है तो पिन वहाँ लॉक में से बाहर आ जाएगी। देखिए पिन बाहर आ चुकी है। अब इसके ब्रेक पैड निकालेंगे, पहिए को एक बार उल्टा घुमा लेते हैं ताकि ब्रेक पैड लूज होके बाहर आ जाए। इस तरीके से पहिए को आगे पीछे करके निकाल लेंगे। ये देख सकते हो ये ब्रेक पैड बाहर आ गया है और आप देख सकते हो इसकी डिस्प्ले भी कटी हुई है और ब्रेक पैड की कंडीशन देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले ये एयर स्क्रू खोलेंगे, अब इसमें 10 नंबर का रिंग पाना लगा के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक पैड। ये ब्रेक पैड है, रॉयल एनफील्ड और जावा के सेम ही आते हैं और पल्सर 220 के भी सेम ही आएंगे रियर ब्रेक पैड। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलिए, तो ये बोल्ट हमने हल्का सा लूज़ कर लिया है ताकि हम ये कैलिपर निकालेंगे तो हमें इसका सिलेंडर दबाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अब ये नट खोल लेंगे, ये नट खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये नट खोल लिए, अब हम ये एक्सल को आधा निकालेंगे साइड से खींच ले अब्दुल्ला। बस अब हम इसका जो कैलिपर है इसे पीछे की साइड खींच के निकालेंगे, पहिया थोड़ा सीधा करना पड़ेगा इसके लिए हमें। देखिए इस तरीके से कैलिपर निकल चुका है, ये इसकी पट्टी गिरी हुई है। अब हम ये इस पर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली मारेंगे। उससे पहले मैं इसे भी निकाल लेता हूँ, ये भी सारा फ्री है कि नहीं चेक कर लूँगा। इस सिलेंडर को थोड़ा क्लीन करके ये पेट्रोलियम जेली है इसे हल्का हल्का मार देंगे ताकि सिलेंडर को स्लाइड होने में दिक्कत ना हो। ये हमारे पास सी क्लैंप है, इसकी मदद से ये सिलेंडर को मैं प्रेस कर दूँगा इस तरीके से। इसे सेंटर में रख के प्रेस करना है और ये एयर स्क्रू को हल्का सा खोल लेता हूँ ताकि सिलेंडर प्रेस करने में इजी रहे। आप देख सकते हो इस तरीके से, देखिए सिलेंडर अंदर चला गया है। अब मैं ये एयर स्क्रू टाइट कर दूंगा वापस, तो बाकी का ऑयल तो टैंक में मैं रिफिल कर लूँगा। सी क्लैंप निकाल लिया है, अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जहाँ पर जो ऑयल लगा हुआ है थोड़ा बहुत उसे भी साफ कर लेंगे ब्रेक ऑयल को।
अब ये जो पट्टी है इसे लगाएंगे यहाँ बीच में इस तरीके से, ये लूज़ है, थोड़ा पकड़ से दबा देता हूँ। इस तरीके से अभी यहाँ भी हल्का हल्का पेट्रोलियम जेली है हमारे पास, दोनों साइड मार देंगे ताकि स्लाइड इजीली हो, स्लाइडिंग में प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से अब ये हमने मार दिया, उसका कैलिपर वापस फिट कर लेते हैं। ये कैलिपर लग चुका है, अब इसे हम फिट करेंगे अंदर। तो चलिए इसे मैं पहले यहाँ लगा लेता हूँ, पहिया सीधा कर लेता हूँ। ध्यान रखें यहाँ एक डिस्टेंट पीस है ये वाला, ये गिरना नहीं चाहिए। हल्का सा पहिया घुमा लूँगा ताकि फिट करने में इजी हो। ये हमारा डिस्टेंस सेट हो चुका है, ये कैलिपर बैठ चुका है। अब हम इसमें एक्सल डाल देंगे, एक्सल को लगाओ को, हाँ डालिए एक्सल। ये एक्सल लग चुका है, अब ये जो सेटिंग है इसे हम इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। अब इसका जो नट है इसे हम चढ़ा टाइट कर लेंगे। और ये एक्सल डालते समय खास ध्यान रखें कि यहाँ का डिस्टेंस प्रॉपर लगना चाहिए। देख सकते हो ये यहाँ से निकल चुका है, तो इसे भी उठा के प्रॉपर लगाएं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस डिस्टेंस को आपको प्रॉपर लगाना है तो मैं थोड़ा एक्सल बाहर निकाल के आपको वापस दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगा। देख सकते हो इस तरीके से इस सेटिंग को आगे पीछे करना है तो ये बैठ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी ये एक्सल को हमें वहाँ पर उस धक्का देके यहाँ आएगा। अब ये सेटिंग को यहाँ इस तरीके से रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, इसे पीछे की साइड रख के। अब वहाँ से चेन का सेटिंग भी देख लेंगे कि चेन लूज़ है या टाइट है, वो भी देख लेते। इस नट को हल्का सा टाइट करेंगे, इसका चेन सेटिंग सही है, इसके लिए हम लोग इसमें चेन सेटिंग नहीं करेंगे, ये नट को टाइट करेंगे। वहाँ पेच फस फसा के ये जो हमारा एक्सल घूम रहा है वो नहीं घूमेगा। ये टाइट हो चुका है, अब हम इसका ब्रेक पैड डालेंगे। ये दो ब्रेक पैड है बाइबर कंपनी के, इसे लगाएंगे। इसको हल्का सा दबाकर उस साइड से अगर आपको दिखता हो तो मैं दिखा देता हूँ, इसे हल्का दबाकर इस तरीके से ये ब्रेक पैड यहाँ जाएगा और ये वाला ब्रेक पैड यहाँ जाएगा। अब जो उसका पिन है उसे लगाएंगे पीछे की साइड से। अब ये पिन को पेचे की मदद से हल्का सा ठोक के बैठा देंगे। ये पिन बैठ चुका है, अब इसमें जो पिन वाला लॉक था इसे लगाएंगे इस तरीके से और ये एयर बोल्ट जो हमने लूज़ किया था उसे टाइट करेंगे और
देख सकते हो, दो चार बार ब्रेक मारेंगे तो इसका पैड लगने लग जाएगा। देखिए पैड धीरे धीरे बाहर आ रहा है, देख सकते हो ये ब्रेकिंग चालू हो चुका है इसका, ये इसका ब्रेकिंग चालू हो गया है। अब एक बार इसका जो एयर है वो देख लेते हैं अंदर, तो निकल जाएगा। देखिए इसमें कोई एयर नहीं है, तो इसे हम 2-3 किलोमीटर ब्रेक दबा के राउंड मारेंगे, उसके बाद वापस एक बार एयर निकालेंगे ताकि इसकी जो एयर होगी वो निकल जाएगी। अभी इसका ऑयल लेवल देख लेते हैं, ये दिखा देता हूँ। इसमें ऑयल लेवल कम है तो इसका ऑयल हम मैक्सिमम करेंगे, ये मिनिमम लेवल है तो इसमें 0.4 ऑयल जाएगा। ये 0.4 ऑयल है, हम इसे अब करेंगे मैक्सिमम। ये हो चुका है, अब हम इसे भी कस देंगे और ये इसका एयर बोल्ट का जो रबड़ था इसे भी लगा देंगे। और इस तरीके से आप ब्रेक पैड इसके चेंज कर सकते हो जावा के, जैसा मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आप इसके ब्रेक पैड चेंज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।